लुधियाना में गुंडा गर्दी का नंगा नाच हो रहा है, जिससे आम पब्लिक तो क्या सरकारी मुलाजिम भी सुरक्षित नहीं है। और सारे मुलाजिम साहब क्या लोग मिलती है, सारे अपने अपने कमरे जान गए क्योंकि असली म्यूनसिपल एम्प्लॉई संघर्ष कमेटी वालों जो पिछले दिन साड़ी बेटी नाल जो बिल्डिंग मैन लड़की है उन्होंने जो हादसा वापरिया सीगा उस संबंध में जो पर्चा वा वो संघर्ष कमेटी की डिमांड से उस दिन ही हो गया सीगा, जिसके लिए अभी धनवादी हैं मेयर साहब के, मंत्री साहब के, एम पी साहब के। दूसरा जोड़ा 72 घंटे का अभी जो टाइम दिता सीगा तो अज क्योंकि लगातार उन्होंने घर के उन्होंने जो दारे ने उन्होंने छापे पै रहे हैं इस तरह से भी मानजो पुलिस कमिश्नर साहब ने 2-3 बारी उदों के लगातार संपर्क ने अज इतने पहुँच के ए सी पी साहब जो दविंदर चौधरी जी ने उन्होंने विश्वास दवाया कि सू थोड़ा हो समा चाहिए वा क्योंकि वह बंदा पंजाब तो बाहर जा चुका वा, इसलिए असं मेयर साहब के ए सी पी साहब के आश्वासन से जो संघर्ष कमेटी है उन्हें फैसला किया कि जरा उन्होंने घट्टो घट 15 दिन का समा दिता जाता वा, जो ना कार्रवाई की गई ना जल्दी रेस्ट होया तो असं जो वा संघर्ष किया। अच्छा असी मुलाजमान ने इकट्ठे होकर क्योंकि 72 घंटे नोटिस दिता सीगा, असी इतने एक रोस रैली की है भी हजे 72 घंटे बीतने का अरैसट नहीं होया तो इस संबंध में असं इतने रैली की। बिल्कुल उन्होंने वाजिब सी गेट रैली उन्होंने की है हाले तक अरैसट नहीं सी किया गया वह और अब सी पी साहब ने स्पैशल इतने पुलिस के अफसर से जिन्हें भी दसली उन्होंने कोई कबूल से उन्होंने पकौड़ा आ इतने मैं भी यही इन्होंने चाहता जिन्नी भी लोकल लीडरशिप है चाहे मंत्री है चाहे एम पी साहब चाहे मैं चाहे साढ़े जिन्हें भी यूनियन पार्टी सारे मुलाजमान के नाल खड़े हैं और उस बंदा जिनी देर तक अरैसट नहीं होंगे उन्नी देर मुलाजमान के नाल खड़े हैं। अज पब्लिक की तकलीफ में देखते हुए इन्होंने मैं रिक्वेस्ट की थी कि आप 15 दिन नहीं पोस्टपोन कर दिए उदों तक पुलिस ने भी शायद गया स्टेशन आगे भी इन्होंने एक्टी आप आके सी पी साहब का संदेश भी दिता है कि असी कोई कसर नहीं छड़ा उन्होंने अरैसट करनी और बहुत वड्डी इन्होंने एकता की निशानी है असं नाल खड़े इन्हों की एक अरबापति बंदा घर लॉक ला के भगौड़ा होया कांग्रेस पार्टी वालों कोई शायद यह मैं चैलेंज ना कह सकता। बिल्कुल जो भी कार्रवाई असि मैडम आ गए पहले बाहर गए हुए अभी बैठ के डिस्कस करा जिसकी भी कताही वरती गई कोई चाहे कोई मुलाजिम भी होया वो बिल्कुल लोड़ी कार्रवाई की गई। जो ये मंदभागी घटना वापरी है साड़ी मुलाजम साथी छोटी भैन नाल वो साडे लई नहीं साडे शहर वासियां लई भी एक माड़ी घटना वा, वो कल्ली साडी मुलाजम नहीं वो एक इस शहर की बच्ची भी है। जिथों तक कानूनी कार्रवाई का संबंध आ इस विच कोई शक नहीं कि जिस दिन ये वारदात हुई सी उस दिन सेम डे मानयोग मंत्री साहब और मेयर साहब ने ये इंटरफेयर करके सी पी साहब नाल गल करके जो बनदियां धरावां ने वो लवा के परचा दर्ज करवाया सी। परचा दर्ज होने तो बाद साढ़े वालों संघर्ष कमेटी वालों चेयरमैन सोता जी वालों 72 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस को दिता गया सीगा। अज 72 घंटे पूरे हो चुके ने पर उस बंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई। असी ये नहीं कह रहे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस ने रेडा कीतियां ने बट वो बंदा हले इन्हां दी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर आ। साडा अज की रैली करना मकसद ये सीगा कि जदों फोन लोकेशन वो ट्रेस हो रही आ तो फिर उन्होंने इमीडिएट कितने ना कितने तो टैप किया जा सकता वा कितने ना कितने थोड़ी जी ये नैगलीजेंसी है उस चीज़ को प्रेशर करने लई भई जे ये बंदा विद इन डेज गिरफ्तार नहीं हुंदा तो असी कोई वड्डे लैवल का संघर्ष प्लैन करांगे जिदे विच सानू लुधियाने तो बाहर दीआं कारपोरेशनां और कमेटियां दे बंदे भी साडे नाल टच च ने वो भी सानू कह रहे हैं कि तुसीं दसो भई जे तुसीं वड्डे लैवल का इस टॉपिक ते संघर्ष करना चाहुंदे हो तो पूरे पंजाब लैवल ते भी कारपोरेशनां बंद होणगीआं। असीं उम्मीद करदे हां कि जिद्दां सी पी साहब ने दविंदर जी डी सी पी साहब नूं भेज के मेयर साहब के थ्रू मैसेज दिता वा भी असीं 15 दिनों गिरफ़्तार करांगे तो यह 15 दिनों के गिरफ़्तारी होगी और असीं लुधियाना वासियों नूं भी अपील करते हैं कि इहो जे गंदे बंदे जिहड़े अपनी पोती की उम्र की बच्ची नूं गालां कढ सकदे आ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।